स्टार्ट। गरीब सिर्फ वही नहीं है जो धन से हार गया है, असली गरीब तो वह है जो मन से हार गया है, जो यह मान चुका है कि उसका अब कुछ नहीं हो सकता, वह कभी अमीर नहीं हो सकता। जो लोग खाली थाली थामे चांद का सपना देखते हैं वो गरीब नहीं होते, उनके पास आशा की अकूत पूंजी होती है जिसे वे अपनी तरक्की के मंसूबों पर खर्च कर रहे होते हैं। मतलब अभाव और गरीबी में फर्क है। अभाव को फटाफट दूर किया जा सकता है, लेकिन गरीबी जाते जाते ही जाती है। वह लड़का भी अभावग्रस्त था, जैसे उसकी गले के बाकी लड़के थे। घर के आसपास कोई सुविधा नहीं थी, बस एक बास्केटबॉल की जगह थी, बाकी हर जगह लोग मारे मारे फिरते नज़र आते थे। जहाँ के लोगों को अभाव बेचैन रखता हो, वहाँ घर और बाहर भटकते लोगों का दिखना स्वाभाविक है। उस लड़के के परिवार पर तो कुछ ज़्यादा ही आफत आन पड़ी थी। ट्रक चालक पिता का एक पैर टूट गया था। पिता कुछ दिनों के लिए खाट पकड़ चुके थे। कमाकर लाने वाला कोई नहीं था। तीन बच्चों सहित पांच लोगों का परिवार 2 जून की रोटी के लिए भी तरसने लगा था। पिता की बेशर्म कंपनी ने इलाज करवाने से मना कर दिया, इलाज के पैसे देने से मना कर दिया। न कंपनी ने अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा करा रखा था और न पिता को पहले ज़रूरत महसूस हुई थी। पिता कभी कहीं स्थिर काम नहीं कर पाए थे तो सबने उनसे मुंह फेर लिया। उस लड़के ने अक्सर अपने पिता को परेशान और नौकरी की तलाश में देखा था, लेकिन जब पिता टूटे पैर के साथ 24 घंटे लेटे नज़र आने लगे, जब उनकी आँखों से पराजय के आंसू झांकने लगे, जब उनका चेहरा बेबसी में छोटा पड़ने लगा, जब वह अपनों से नज़रें चुराने लगे, तब उस छोटे लड़के को दिल से महसूस हुआ कि अभाव किसे कहते हैं, अभाव कैसे तड़पाता है, कैसे रुलाता है और कैसे पराजय की खाई की ओर धकेलता ले जाता है। अभाव किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और देश दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबके पास कम से कम इतनी रोटियां तो हों, छोटी ही सही पूरी छत तो हो, इतने कपड़े तो हों कि मूलभूत अभाव 9-2-11 हो जाएं। खैर, कई रोजगारों से कड़ी मेहनत के साथ गुजरते हुए भी उस लड़के ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद ही स्वयं का व्यवसाय शुरू किया।
कुछ समय में कॉफी रेस्तरा के व्यवसाय में नाम चमकने लगा। लोग उन्हें हॉवर्ड के नाम से जानने लगे। इन्होंने कॉफी के व्यवसाय को नया रूप दिया और सिएटल शहर के कॉफी कल्चर को बदल कर रख दिया। स्टॉप।